नमस्कार दोस्तों, एमरोज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर कीबोर्ड की सहायता से डिफरेंट टाइप्स के लाइन क्रिएट करना। गाइज, आपने एमएस वर्ड का यूज किया है और एमएस वर्ड के अंदर लाइंस भी क्रिएट की होगी, लेकिन लाइन को क्रिएट करने के लिए आपने इंसर्ट पे जाके, शेप्स पे जाके लाइन क्रिएट की होगी। इस प्रकार से आप लाइन क्रिएट करते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, अगर मान लीजिए हमें डिफरेंट टाइप्स के लाइन क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करें। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक सिंगल लाइन क्रिएट करनी है तो कीबोर्ड से डैश की 3-4 बार प्रेस करें, 1, 2, 3, 4 डैश एंड देन एंटर। तो इस प्रकार से आपकी एक सिंगल लाइन यहां पर क्रिएट हो गई है। अगर आपको डबल लाइन लानी है तो अपने कीबोर्ड से आप इक्वल टाइप करें 3-4 बार, इक्वल 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 देन प्रेस एंटर, और आप देखेंगे कि एक डबल लाइन यहां पर आ गई है। अगर आपको ट्रिपल लाइन वाली लाइन चाहिए, मींस तीन लेयर वाली लाइन चाहिए, तो आपको अपने कीबोर्ड से हैश की टाइप करनी पड़ेगी। गाइज, हैश की कीबोर्ड पर नंबर की 3 पर आती है, जिसे लाने के लिए हमें शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा, मींस आपको शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना है। इससे आपका हैश आएगा, हैश 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 एंड देन प्रेस एंटर, और इस प्रकार आप देखेंगे कि ट्रिपल लेयर वाली लाइन यहाँ पर आ गई है। तो आपने ली सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन वाली लाइन। गाइज, अगर आपको डॉट की फॉर्म में एक डार्क लाइन लानी हो तो क्या करेंगे। डॉट की फॉर्म में डार्क लाइन लानी है तो आपको यूज करना है एस्टरिस्क का। एस्टरिस्क हमारे कीबोर्ड पे नंबर की 8 पर होती है, जिसे लाने के लिए आपको शिफ्ट की यूज करनी पड़ेगी साथ में। तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 8, तो आपकी आएगी एस्टरिस्क देन प्रेस एंटर। तो इस प्रकार से आप एक डॉट की फॉर्म में डार्क लाइन यहाँ पर ला सकते हैं। एंड देन अगर मान लीजिए हमें एक स्टाइलिश लाइन यहाँ पर लेनी है तो हम क्या करेंगे, टाइल्ड की का यूज करेंगे। टाइल्ड की कीबोर्ड पर नंबर 1 की लेफ्ट साइड में होती है, जिसे लाने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ टाइल्ड एंड देन प्रेस एंटर। तो इस प्रकार से एक नई लाइन यहां पर क्रिएट हो गई है। तो गाइज, आपने देखा कि किस प्रकार से कीबोर्ड की सहायता से हम एमएस वर्ड के अंदर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज का टॉपिक आपको हमारा अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, कॉमेंट लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।